रुबीना और अभिनव में फूट डालने की कोशिश है। मेकर्स रुबीना नहीं तो अभिनव को निशाना बना रहे हैं। और रुबीना और सोनाली फोगाट के मुद्दे में कौन सही था, कौन गलत था? राहुल वैद्य की जो पॉपुलैरिटी है, 1.9 मिलियन का जो ट्रेंड हुआ था, उसके बारे में रुबीना को पता चला और उसी बात का वो जिक्र जो है आज कर रही थी। तो आज के एपिसोड की बात की जाए तो सोनाली फोगाट तो छा गई, अर्शी के ऊपर पानी डाल दिया, रुबीना के साथ झगड़ ली, अली के साथ रोमांस कर लिया। तो अब जो शो में इतना ज़्यादा कंटेंट दे रहा है, आपको लगता है कि वो शो से एलिमिनेट होगा? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि शो से सोनाली फोगाट को एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि जो पहले के कई सदस्य इस घर के अंदर हैं उससे ज़्यादा कॉन्टेंट तो सोनाली फोगाट दे रही हैं। पिछले हफ्ते अर्शी राखी 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 लगा रहा, जब पहला हफ्ता था तब अर्शी अर्शी अर्शी, राखी राखी राखी, और अब सोनाली फोगाट। तो सोनाली फोगाट जो है कंटेंट तो बहुत दे रही है और इस बारे में कोई दो राय नहीं। रुबीना और सोनाली फोगाट का मुद्दा, जाहिर सी बात है कि आप किचन एरिया में बैठे हैं, सब बैठकर खाना खा रहे हैं। अर्शी ने नेम, सबसे पहले तो नेम टैग ही तो फटा है, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। नेम टैग फाड़ने से नाम मिट्टी में मिलेगा या फिर गालियां देने से? अर्शी के ऊपर पानी फेंका, राहुल वैद्य ने क्या बोला कि ये शो जो है बोलने का है, आप कुछ भी बोलिए, आप किसी पे हाथ मत उठाइए, किसी को पुश मत कीजिए, धक्का मत दीजिए और खाना मत फेंकिए, ये सब मत कीजिए, और गाली दे सकते हैं लेकिन गाली देती हुई आप खराब दिखेंगी। अभी ये बात उन्होंने राहुल ने बताई सोनाली फोगाट को, लेकिन बाहर जाते साथ जो है शुरू हो गया। अब वहाँ पर उनका ये कहना है कि मैंने रुबीना को नहीं बोला, आपके सामने कौन है? अर्शी। अर्शी ने आपको बोला कि आपकी फ़ोटो फाड़ी गई, आपके ग्रुप में से तो किसी ने नहीं फाड़ी क्योंकि अर्शी ने आपको बोल दिया, बचा कौन? रुबीना निक्की। तो आप जाहिर सी बात है जो वो बीप शब्द का इस्तेमाल कर रही थी वो आप रुबीना या फिर निक्की के लिए कर रही थी। तो अगर उस शब्द का मतलब ही ये है कि आपने उनके मम्मी पापा को, खानदान को बोला है, तो फिर जवाब सुनेंगी ना। और उसके बाद रुबीना उनकी बेटी तक गई, इस बात का उन्हें था कि तुम मेरी बेटी तक कैसे गई हो, मैं इस शो में अपनी बेटी की इंसल्ट करवाने आई हूँ, तो क्या रुबीना जिसकी बेटी है वो क्या अपने मम्मी पापा की इंसल्ट करवाने आई है? लेकिन यहाँ मैं एक बात बोलूंगी, बहुत अच्छे से रुबीना ने सोनाली फोगाट को जवाब दे दिया था। सोनाली फोगाट का भी ये कहना था कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया है ना, यहाँ मैं ये बात जरूर मानती हूँ कि बेटी को नहीं लाना चाहिए था। सोनाली ने गलती की, क्या वही गलती रुबीना भी करेगी? वो रुबीना को नहीं करनी चाहिए थी कि ठीक है, सोनाली ने बोला, आपने जवाब दिया, आपने उसे बहुत कुछ बोला, आपने उसे समझाया, आपने उसे डांटा, और उसके बाद जो है आपने उसकी बेटी का नाम ले लिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि मैं ये कह रही हूँ कि तू मेरे खानदान पर जा रही है, अगर तेरी बेटी को कोई ये शब्द बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो ये कहने का मतलब था सबका कि आपने इनडायरेक्टली उसकी बेटी को भी बोल दिया। तो रुबीना का जवाब देना वहाँ पे बनता था, क्योंकि जो सोनाली फोगाट कह रही थी वो जाहिर सी बात है, मतलब आप कब तक सुनोगे ना, आप कभी ना कभी तो आपकी भड़ास निकलेगी ना, आप बताओगे, क्योंकि आप जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जो गाली थी वो वाकई में किसी को, किसी का भी जो है खून खौल उठेगा कि मेरे माँ बाप तक, खानदान तक क्यों जा रहे हो आप लोग? ठीक है, बोलने का शो है, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होनी चाहिए। और ये जो धमकी दे रहा, बाहर मेरे आदमी देख लेंगे, आदमी देख लेंगे, लेकिन निक्की भी बहुत ज़्यादा बोलती है, उसे इतना नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है देख लेंगे, वो बाहर आई है, वो अंदर जाएगी, देखा मेरा ऑर्डर मान लिया, ताली बजा रही है, फिर फोटो फाड़ रही है। लेकिन यहाँ पर राहुल, एजाज, अर्शी, ये समझाने की जगह कि ये सिर्फ फोटो ही तो है, ये बता रही है अर्शी कि फिर से फोटो फाड़ दी तुम्हारी, कल नेम टैग और आज फोटो। अभिनव बोल भी रहा है कि आप किस मुद्दे को लेकर, किस बात को लेकर गाली दे रही हैं, एक बार ये बात तो सोचिए कि क्या अच्छा लग रहा है ये बात, कि आप किस बात को लेकर गालियां दे रही हैं। तो ये बात वाकई अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों लग रही थी, मतलब क्यों? तो जिस बात को लेकर सोनाली फोगाट ने ये पूरा का पूरा शुरू किया, अर्शी पे पानी फेंक दिया, उनकी आंख फड़क रही थी, वो कह रही थी एक दिन पहले तो अगले दिन ये सारी चीज़ें होंगी क्या, अर्शी पे पानी फेंक देंगी, उनको किसी चीज़ का गुस्सा है, बैठिए बात कीजिए। राहुल वैद्य ने आज स्टैंड लिया सोनाली फोगाट का, अभिनव और उसके बीच में झगड़ा हुआ, अभिनव ने बोला अभी तो मेरा गेम शुरू हुआ है। वहीं बाहर गार्डन एरिया में वो जो मकर संक्रांति टास्क था उसमें झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये बात निकली कि ये जो है भाग गया था, अली ने बोला ये पूरा देश पागल हो गया था। देखिए राहुल वैद्य की पॉपुलैरिटी है, राहुल वैद्य के फैंस नहीं होते तो वो वापस बाहर अंदर नहीं आता, जिस पर रुबीना ने बोला मुझे पता है इसकी सोशल मीडिया वाली बात, और ये बात ये है जो लाइव फीड में रुबीना कर रही थी कि 1.9 मिलियन का ट्रेंड हुआ था राहुल वैद्य का और उसके फैंस हैं, इसीलिए वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है,
और इस बात का जिक्र रुबीना अभिनव के साथ करती हुई लाइव फीड में नजर आई हैं। तो ये उसी ट्रेंड की बात कर रहे थे, लेकिन आज अली ने साथ दिया कि मेरा भाई के लिए तो पूरा देश पागल हो गया था, लोग चाहते थे राहुल वैद्य आए, तो राहुल वैद्य तो आना ही था, राहुल वैद्य बाकी लोग। और ये बात अभी नहीं है कि राहुल वैद्य लोगों के बीच में बोलते हैं, राहुल पहले से ही स्टैंड लेता है, हर चीज़ के लिए स्टैंड लेता है, हर चीज़ में बोलता है। आपका स्टैंड सही गलत की बात नहीं कर रही मैं अभी, क्योंकि कई मुद्दों पर वो सही होते हैं, कई मुद्दों पर गलत होते हैं। आज उन्हें सोनाली जी को ये बात समझानी चाहिए थी कि देखिए आप मत करिए, इतना फोटो ही तो है, बेटी को बोला आपने, बोल दिया राखी को कि राखी बस इस बारे में तू साथ मत देना, तू गलत दिखेगी। और जब राखी ने बोला कि राहुल तू बीच में आ रहा है, तो राहुल ने बोला आप चार लोग चढ़ो सोनाली पर और मैं एक अकेला भी सपोर्ट ना करूं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सोनाली को भी तो सपोर्ट कर रहे थे ना वो, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि राहुल तो बीच में आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि राहुल वैद्य जो है स्टैंड लेते हैं, वो मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा था सोनाली फोगाट का, कोई ज़रूरत नहीं थी इतना बड़ा करने की, उस तरह की गाली देने की। रुबीना ने बोला मेरे खाने का निवाला भी छीन लिया है, खाने भी नहीं दिया, वो खान प्लेट लेकर बैठी तो वहाँ पर आ गई सोनाली फोगाट, उसके बाद उसने खाना ही नहीं खाया। अभिनव जो है बहुत परेशान हो गए थे कि एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बन रहा है। वहीं निक्की अलग बज रही थी, निक्की का मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था वो किस बात को लेकर बज रही थी या किस बात को लेकर उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो एक बात तो तय है कि आज जो घर के अंदर की लड़ाई हुई है, वीकेंड का वार में सोनाली फोगाट को डांट पड़ी है। सोनाली फोगाट को बोला गया है कि आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था और जिस तरीके से बाहर आपके बंदे देख लेंगे, बंदे देख लेंगे, बंदे हैं कौन, अगर बंदे ही देख लेंगे तो बंदे ही आ जाएंगे ना खेलने, आप क्यों आई है। निक्की बात सही कह रही थी। तो ये सारी बात को लेकर वीकेंड का वार में जो है सोनाली फोगाट को डांटा गया है। लेकिन क्या सोनाली फोगाट जो है वो उसके बाद भी बात कर रही थी? हालांकि अर्शी जो है, यहाँ पर मैं कहूँगी अर्शी ने वाकई में आग लगाई है। अर्शी को क्या ज़रूरत थी, तेरा नेम टैग फाड़ दिया और वो निक्की ने फाड़ा था। लेकिन उस टीम की यूनिटी देखिए, मैं पिछले 3 दिन से ये बात कर रही हूँ, रुबीना मैंने फाड़ा, निक्की मैंने फाड़ा, राखी मैंने फाड़ा, अभिनव मैंने फाड़ा। तो वो जो टीम है ना, उसकी यूनिटी कमाल की है। और जब ऐसी यूनिटी हो जाए तो उस टीम को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, सब आ गए कि हाँ मैंने फाड़ा, मैंने फाड़ा, निक्की ने फाड़ा था वो। और राखी सावंत, अगर नहीं बताना था तो सुबह सुबह किचन एरिया में ये क्यों बताई थी, हम उससे मांगी गई, किसने मांगी? जाहिर सी बात है सब समझ गए निक्की ने मांगी, रुबीना ऐसा काम नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि सोनाली फोगाट को ये बात पता थी कि रुबीना ने नहीं किया है, और उनका इशारा रुबीना ने निक्की की तरफ था, और रुबीना ने उसे अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो जो गाली उन्होंने दी वो वाकई में, वहाँ आप बैठ के खाना खा रहे हो और कोई आपके खानदान को ऐसे बोले जा रहा है तो कोई सहन नहीं करेगा। तो राखी सावंत की हाँ मुझसे लिया, और उसके बाद अर्शी गई बताने के लिए बाथरूम में, ये नहीं बोल कि राखी ही गलती है। अरे हो गया ना, फोटो फट गई ना, एक दिन पहले टैग पे इतना ड्रामा हुआ है, अगले दिन फोटो पे ड्रामा मत होने दो ना, पता चला है तो छिपा दो ना उस बात को, लेकिन बस सबको लड़ना है, मसाला चाहिए। रुबीना बोल भी रही थी कि ये शो ही ऐसा है कि यहाँ पर लड़ो, कॉन्टेंट लो, और उसके बाद वो बोल भी रही थी कि आप लाइमलाइट में आने के लिए ये जो चीज़ें कर रही हैं ये अच्छी नहीं दिख रही हैं। तो एक चीज़ की हद होती है, आज आपने अर्शी पे भी पानी फेंक दिया, फिर अली के साथ रोमांस भी चल रहा है उनका, वन साइडेड रोमांस, और ये रुबीना के साथ लड़ाई। तो इस पूरे मुद्दे पर एक ही चीज़ जो मुझे लगी, रुबीना ने जवाब देकर गलत नहीं किया, सोनाली फोगाट ने उसका नाम नहीं लिया था, मुझे लगता है कि निक्की की तरफ था उनका इशारा, लेकिन कोई तो उनको बोलेगा ना, उनको कहना तो सबको था, तो सब में से कोई एक तो जवाब देगा ही, तो समझो रुबीना ने जवाब दिया, क्योंकि आप दे तो सबको ही गाली रही थी ना। लेकिन यहाँ पर रुबीना को उनकी बेटी का जिक्र करना ही नहीं चाहिए था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता वीकेंड का बाद में सलमान खान का क्या स्टैंड होगा, पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी रुबीना, बेटी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। वहीं आज जो है सलमान, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि राहुल वैद्य की पॉपुलैरिटी की तारीफ हुई, वहीं कल का प्रोमो क्या कह रहा है, रुबीना रो रही है क्यों? सलमान ने बोला कि जहाँ आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए आप नहीं दे रहे हैं, तो आपको भी ऐसा लग रहा है रुबीना कि वो लेट डाउन कर रहा है? रुबीना कहती है हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि एडिटेड प्रोमो होगा, और इस प्रोमो पर हम ना ही जाए तो अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो ये जो प्रोमो होता है ये हाथी के दांत की तरह है, आप देखेंगे कुछ और दिखेगा कुछ और। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रुबीना नेशनल टेलीविजन पर सलमान खान के सामने ये बोलेगी कि हाँ मेरा पति मुझे लेट डाउन कर रहा है, नहीं, वो अपने पति के लिए हमेशा स्टैंड लेती है, अभी भी लेगी, वो नहीं बोलेंगी। तो ये कुछ तो एडिटेड प्रोमो है, पर रुबीना को अभिनव की राखी सावंत को सपोर्ट नहीं किया ये बात बहुत बुरी लगी। क्या बोला अभिनव ने,
मैं राखी मेरी कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है, मैं उसे जान रहा हूँ। निक्की मेरी घनिष्ठ मित्र नहीं है, मैं मेरे लिए यहाँ पर तू ही मैटर करती है। और एक छोटे छोटे टास्क से कई बार सामने वाले टीम को भी मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ आज अभिनव ने एक डायलॉग बोला था राहुल वैद्य को कि मैंने तो गेम अभी खेलना शुरू किया है, ये मैं मानती हूँ अभिनव शुक्ला ने अब गेम खेलना शुरू किया है, वो डार्क हॉर्स की तरह है और कब आगे निकल जाएगा, जैसे अभी यहाँ तक आ गए ना, उतने ही कम्फर्ट से चुपचाप सुमड़ी में बोलते हैं ना, सुमड़ी में आगे निकल जाएगा और बाकी सब देखते रह जाएंगे। तो ये रुबीना का बोलना कि आप राखी को छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर सकते हो, नहीं। अभिनव ने क्या बोला कि वो वन साइडेड है, उसने बोला है कि मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती रहूंगी। और वहीं आज राखी अभिनव के लिए हाथ काटने के लिए तैयार हो गई थी, चाकू मांग रही थी। बिग बॉस ने तुरंत बुलाया कि बाबा तुम ऐसा वैसा मत करो और ये बात करना भी नहीं, जिसके बाद राखी रो पड़ी। लेकिन राखी का जो एंटरटेनमेंट लेवल है वो एकदम अलग है, वो अभिनव को भी रोमांटिक बनाकर छोड़ेंगी और वो भी फ्री में क्लास दे रही हैं। तो एक बात तो तय है कि ये जो यहाँ पर टीम गेम माइंड गेम, रुबीना अभिनव निक्की राखी, मैं बार बार बोलती हूँ कि इनकी अपनी यूनिटी बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। और उधर राहुल और अली अर्शी कुछ पता नहीं, सोनाली जी का भी कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो अपनी ज़ुबान से ही कई बार गलतियां कर जाती हैं। एजाज खान उनके अपना ही, हमने शुरू से देखा है कि वो इंडिविजुअल गेम खेलते हैं। तो जो दो टीम्स में घर बटा है उसमें अगर मैं कहूँ तो अभिनव और रुबीना की टीम धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिटी की वजह से। अब कल ये देखना होगा एविक्शन किसका होता है। जहाँ तक मुझे लगता है इस हफ्ते कोई भी एविक नहीं होने वाला है, फिर भी वीकेंड का वार से अगर कोई खबर आई हो तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वीकेंड का वार से कुछ ऐसी खबर आई है कि कौन एविक्ट हुआ है। मैंने ये जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था विकास गए थे, मैंने उसी दिन बोला था कि कोई नहीं जाएगा क्योंकि विकास जो है निकल चुके हैं, तो अब जो है कोई नहीं जाएगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है कि एविक्शन किसका हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि कोई एविक्ट होगा क्योंकि सोनाली फोगाट बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रही हैं और वोटिंग लाइन में वही सबसे नीचे थी। तो आपको आज की लड़ाई में क्या लगता है, रुबीना सोनाली कौन सही कौन गलत? और जो कल रुबीना और अभिनव में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, क्या ये प्लानिंग है मेकर्स की? मुझे ऐसा ही लगता है, हालांकि मैं प्रोमो पे विश्वास नहीं कर रही, लेकिन 1% अगर हम ये बात सोचें कि प्रोमो सही है, तो क्या आपको लगता है कि मेकर्स की साजिश है फूट डालने की? आप क्या सोचते हैं और इससे फ़ायदा होगा? क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि दोनों अपना इंडिविजुअल गेम खेलें, फूट डालें, और अभी गेम ज़्यादा टफ हो रहा है। तो आप क्या इस पर कहेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ।